नाज़रीन कल के दिन भी ये दोनों फाइटर्स हमारे साथ मौजूद थे और इब्राहिम इसको तो अब आप भी जानते होंगे और गुल खान दूसरी जाने मौजूद है इनको भी आप जानते होंगे। ये फाइट वो फाइट होगी, चैलेंज फाइट है जो गुल खान ने दिया इब्राहिम को और इब्राहिम ने बड़ी बहादुरी के साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। देखना यह है कि ये फाइट कौन जीता है। आपको इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स बता दूं इस लीग के, इब्राहिम की 3 फाइट्स हुई है जिनमें से 2 ये हार चुके हैं और 1 इन्होंने अपने नाम की है, और गुल खान की 2 फाइट्स हुई हैं, दोनों ही ये नहीं जीत पाए। आज देखना यह है कि किसके पॉइंट्स में इजाफा होता है। गुल खान, आपने क्या सोचकर उसको चैलेंज दिया? बस मैंने इसको इसलिए चैलेंज दिया और इसके साथ मैं फाइट करूँगा। ये और दिन भी उस दिन मुझे बातें कर रहा था, मैंने कहे बस आज बचू इस तरह फाइट करेंगे ना एम्बुलेंस एडवांस में मंगवाना पड़ेगा। सर अजीम साहब को मैंने कहा है एम्बुलेंस एडवांस में मंगवा ले और इन्होंने अजीम भाई से भी बात कर ली है कि एम्बुलेंस मुझे चाहिए एडवांस में। आप पता नहीं ये खुद जाने वाले हैं या दूसरे को भेजने वाले हैं, आप इनको भेजने वाले हैं? हाँ इंशाल्लाह इसको भेजूंगा। नहीं आपने एम्बुलेंस क्यों भेजना, वैसे भी तो हरा सकते हैं ना। बस ये मुझे चैलेंज दे रहा था उस दिन, मुझे बातें कर रहा था तू मेरे साथ फाइट नहीं कर सकता ये और वो। मैंने कहा मैं अभी तुझे बताता हूँ कौन नहीं कर सकता, कौन अभी ज़्यादा पानी में होगा और इसको एम्बुलेंस में पहुँचाऊँगा और रावलपिंडी डायरेक्ट पहुँचाऊँगा। तो मतलब ये कि कौन कितने पानी में है आपने ये देखना है, और इब्राहिम ने आपको चैलेंज दिया बेसिकली? इब्राहिम को मैंने चैलेंज दिया था कल और ये उस दिन बातें कर रहा था मुझे मेरे साथ फाइट नहीं कर सकता मैं इस तरह चैम्पियन हूँ मैं। मैंने कहा अभी मैं तुझे जवाब दूंगा आज। जबरदस्त, मुझे आप बताएं कि इब्राहिम जब उन्होंने आपको चैलेंज दिया आपको लग रहा था कि ये आपको चैलेंज दे देगा जैसे उसने अनएक्सपेक्टेडली आपको चैलेंज दे दिया? मैंने एक दो फाइटें की हैं तो थोड़ा सा मतलब इन्होंने फाइटें देखी है, मतलब फाइट अच्छी हुई है मेरी, तो इन्होंने कहा कि मैं आपका नाम जोन सा ना जो अब हाई लेवल पर जा रहा हूँ इसको मैं डाउन करूँगा। ये मुझसे 10 kg में ज़्यादा हैं, 10 पूरे मैं -45 में हूँ या -55 में, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा और इंशाल्लाह जो या जो एम्बुलेंस एम्बुल कर रहे हैं वो इसके लिए मैंने एडवांस में मंगवा चुका हूँ, इसको अभी पता नहीं है तो इंशाल्लाह ये जाएगा सर। ज़बरदस्त, एक कह रहे हैं कि एडवांस में मुझे मंगवा के दे दे और दूसरा कह रहा है कि मैंने तो मंगवा भी ली है। अब देखना ये है कि कौन जाता है एम्बुलेंस तक या दोनों में से कोई भी नहीं जाता। चैलेंज एक फाइट होगी और देखना यह है कि चैलेंज देने वाला मात होती है उसको या फिर चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले को। तो लेट्स सी इन द फाइट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। इब्राहिम मड़ी का उधर उसका नहीं हम को ले वो के ना इब्राहिम आराम से दागा से दागा से वैडावा का ना इब्राहिम मड़ी का मड़ी का हां।
इब्राहिम के लिए तालियां। इब्राहिम आमर ए गुल्लू कौन गुल्लू से के कुर इब्राहिम दे दे कुर रन कवर के जीत वाला कनन ए गुल्लू सूरी का शाबा शाबा सूरी का ए गुल्लू इब्राहिम ने एमएमए जैसी खतरनाक गेम में भी अपनी मजदूरी को रेड स्ट्राइड के विनर है। इब्राहिम फ्रॉम रेड कॉर्नर। नासिर, आज की फाइट थी, आपको प्री फाइट इंटरव्यू में भी पता चल गया होगा कि इनकी फाइट एक चैलेंजिंग फाइट है और फाइट अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है और आपने फाइट भी देखी है और आपको पता तो चल ही गया होगा कि इब्राहिम ने ये फाइट जीती है और चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था। पहले गुल खान से बात करते हैं। गुल खान, आपको तो इतना शदीद गुस्सा था इस जिस वजह से आपने इनको चैलेंज किया था, अब क्या कहना चाहेंगे? हार उसका चैलेंज तो मैंने किया था पर बैड लक हो गया, मेरा स्टेमिना लूज हो गया था और तब उसके वजह से मुझे। आपका बैड लक था या इनका गुड लक? इसका गुड लक था और मेरा आज बैड लक था, फिर एक दफ़ा फिर हुआ और मैंने तो इसको बड़ा इजी लिया था पर ये तो बड़ा बहुत पावरफुल निकला मुझे और ऊपर से धुलाई मेरी की है पर मैंने भी इसको मारा है। पर बहुत अच्छा लड़ा इब्राहिम भाई और हम दोनों
एक ही जगह से और भाई हैं दोनों, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। और इब्राहिम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं, मैं जितना कल के जो मेरे गुस्से थे वो मैंने आज इस पे सारे ख़त्म कर दिए, और मैं अंदर कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी फाइट इंशाल्लाह कर सकूँ।